मंडी जिला के पंडोह कस्बे में पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल समस्या बीबीएमबी की पेयजल योजना की मोटर के खराब होने की वजह से आई है। पेयजल की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए बीबीएमबी प्रबंधन ने टैंकर के माध्यम से लोगों को पेयजल सप्लाई करने का कार्य शुरू कर दिया है। बीबीएमबी प्रबंधन के मुताबिक 12,000 लीटर पानी प्रतिदिन लोगों को टैंकर के माध्यम से मुहैया करवाया जा रहा है। बीबीएमबी प्रबंधन के मुताबिक जब तक मोटर ठीक नहीं होती तब तक टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। बीबीएमबी प्रबंधन के मुताबिक टैंकर से सप्लाई किया जा रहा पानी पीने के लिए सही है। बीबीएमबी ने जो पानी लाया है वो लोगों को दे रहे हैं और कहते हैं हम रोज लाएंगे जब तक हमारी मोटर ठीक नहीं हो जाती है। इनकी मोटरों में तीन मोटरें हैं, तीनों मोटरें इस टाइम खराब हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो पानी ला रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी लेके आए 12,000 लीटर इसमें पानी आ, जितना टाइम इधर मोटरा नहीं बनती है उतना टाइम पानी उधर से आता रहेगा। अभी जाएंगे सोचते नगर फिर भर के लेके आएंगे। पानी पीने वास्ते भी ठीक है, पानी पीने वास्ते बोरिंग का पानी बहुत अच्छा पानी, साफ पानी है। हाँ जी, पीने के लिए पानी है, पहले साफ ही है टैंकर उधर, ये साफ पानी भरा है।